बस्ती थाना सोनहा पुलिस स्वाट टीम एसओजी टीम व सर्विलांस की संयुक्त कार्यवाही में दीपक चौरसिया जो अपने घर के अंदर कमरे में सो रहे थे उनके सिर पर प्रहार कर हत्या करने वाले मुकदमा से संबंधित वांछित अभियुक्तों उमाशंकर चौरसिया उर्फ बबलू लालमती पत्नी उमाशंकर चौरसिया को सलटोबा तिराहे से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में अभियुक्त लालमती द्वारा बताया गया कि कुछ दिन पूर्व आपसी रंजिश के कारण आपसी विवाद के दौरान मृतक व उसकी माता किरण देवी द्वारा मेरे ऊपर चारित्रिक आरोप लगाया था जिससे मैं आहत थी और उसी दिन निश्चय कर लिया था कि मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी और ये बात अपने पति को बताई जिससे मेरे पति ने भी सहमति जताई। मौका पाकर रात्रि बरामदे से होकर मृतक के कमरे में घुस गए तथा घर में पहले से रखे पुरानी बुलेट की स्टील रॉड से मृतक के सिर पर प्रहार कर उसे जान से मार दिया। को थाना सोनहा क्षेत्र में ग्राम कंथरी में दीपक चौरसिया नामक व्यक्ति की हत्या हुई थी, जिसका शव उसके घर में रंजित अवस्था में पड़ा मिला था। सूचना थाने को प्राप्त हुई और इस सूचना पर थाने की टीम द्वारा और फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड एवं सभी उच्च अधिकारियों द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और इसमें मृतक के पिता की तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 223/23 अंतर्गत धारा 302 506 IPC पंजीकृत हुआ था, जिसमें चार लोग नामजद हुए थे। इसमें मृतक जो था उसके चाचा उमाशंकर चौरसिया और उनकी पत्नी लालमती और उनकी दुकान पर काम करने वाला दारा एवं उसका एक ड्राइवर हजरा। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।